अप्रैल को बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के घर पर पुलिस अधिकारी जाएंगे और उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उन पर छानबीन आगे बढ़ेगी। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भी उन्होंने पार्टीज अटेंड की। इस तरह के कई इल्ज़ाम कनिका पर लगाए गए हैं। अब इन सबके बीच में आप जानते हैं करीब 16 दिन तक लखनऊ के पीजीआई में कनिका का इलाज चला। 16 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो अपने घर जा चुकी हैं। फिलहाल अब तक क्वारंटीन में हैं। 20 अप्रैल को कनिका की मुश्किलें बढ़ेंगी जब उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अब इन सबके बीच में हम आपको बताने जा रहे हैं कनिका की हालत पर और उनके खिलाफ लगाए गए इन आरोपों पर पिता का क्या है कहना। कनिका के पिता राजीव से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किए गए और उन्होंने कहा उनकी बेटी लंदन से आने के बाद 3-4 पार्टीज में गई, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता। जी हाँ, पिता ने साफ तौर से कह दिया कि ये सभी के सभी इल्ज़ाम बेबुनियादी हैं, मेरी बेटी ने ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं की। आपको बता दें कनिका कपूर के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ने एक फैमिली गेट टुगेदर अटेंड किया है जिसमें मुश्किल से 10 से 30 लोग मौजूद थे और जैसे ही उनकी बेटी को फ्लू के लक्षण नज़र आए उन्होंने सभी को इस बारे में बता दिया। जबकि जो मामला कनिका के खिलाफ दर्ज है उसमें ये दावा किया गया है कि 3 से 4 पार्टियों में वो शामिल हुई जिसमें 300 से 400 लोग शामिल हैं। कनिका के पिता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आपको बता दें कनिका कपूर फिलहाल लंबे इलाज के बाद घर लौटी हैं। अस्पताल के प्रशासन ने कनिका के रवैये पर सवाल उठाए। इस पर कनिका के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को जानबूझकर डिफेम यानी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी बेटी कोई सेलिब्रिटी के थाट बाट नहीं दिखा रही बल्कि अस्पताल ही मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, ये कहना है कनिका के पिता राजीव कपूर का। हालांकि बीते कल कनिका के भाई का इंटरव्यू हुआ और उनके भाई ने बताया है कि उनकी बहन की हालत अब पूर्ण रूप से ठीक है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।